हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। तो हमारे चिक्स फ्रेंड आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये चिक्स अभी अभी गाड़ी आई है और ये लगभग 8 बजे गाड़ी आई थी सुबह के टाइम में, ठीक है। और आप देख सकते हैं फार्म मैंने चारों तरफ से बिल्कुल पैक करा दिया है, ये आप देख सकते हैं। और अभी थोड़ी सी तैयारी रह गई है, वो तैयारियाँ चल रही हैं दोस्तों। और ये जो आया है चिक्स, ये आया है विनायक हैचरी का। ये विनायक हैचरी का चिक्स है दोस्तों, जो कि इसकी जो ब्रांच है वो इलाहाबाद में इसकी ब्रांच है। और ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का हमारा चूजा है। तो जो भी हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कैसे करेंगे, बगल में एक रेड बटन होगा सब्सक्राइब वाला, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वाइट हो जाता है। और वाइट होने के बाद फिर बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो आप जो आने वाली वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों आता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर गैस ब्रूडर चला रखा है। ये आप देख सकते हैं, इट इज़ अ गैस ब्रूडर। ये देखिए दोस्तों, ये चल रहा है अभी और बहुत गर्मी है यहाँ पे। और इसका रिज़ल्ट ये है कि ब्रूडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। टेम्परेचर लगभग अभी 28, 28.5 है, लगभग 33 या 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए बर्ड के लिए शुरुआती तौर पे, ठीक है। और हमने अभी गुड़ का पानी लगभग गर्म कर दिया है, गुड़ का पानी हम लोग उनको बर्ड लोगों को पिलाएंगे गुड़ का पानी। और ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से गोलेदार मैं ब्रूडिंग हाउस बनवा रहा हूँ, इसमें बर्ड जो है आसानी से रहेंगे। अभी इसमें चूना डलेगा, चूना डलने के बाद इसमें भूसी डलेगी, भूसी के बाद फिर बर्ड इसमें डलेगा। ये व्यवस्थाएँ मुझे पहले से कर लेनी चाहिए लेकिन कुछ कारणवश ये व्यवस्थाएँ नहीं हो पाई, अब हम कर रहे हैं इसको। अब बर्ड काफ़ी दूर से आया है, अब जो है जल्दी कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है दोस्तों। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं शुरुआत में। और अभी हम देखेंगे, अभी हम कौन कौन सी मेडिसिन मिलाने वाले हैं गुड़ के साथ। तो गुड़ के साथ हम लोग रिस्ट्रिक्टेल मिलाएंगे, एंटीबायोटिक होता है रिस्ट्रिक्टेल, और स्ट्रेस वेल मिलाएंगे हम उसमें, स्ट्रेस वेल, ये दो दवाई हम लोग मिलाएंगे। और यूकेआरसी, यूकेआरसी क्या होता है, बर्ड को शुरुआती दौर में पानी ज़्यादा पिए बर्ड, ताकि उसका जो योक होता है वो अच्छी तरीके से निकल जाए उसको। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से आवाज़ कर रहे हैं, ये भी गाड़ी हमारी उतरी है। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और इस बार खास ये है कि हम लोग खुद का फीड बनाने वाले हैं, खुद का फीड। हम लोग सोया हमको नहीं मिल पाया, सोया बहुत महंगा है, जिसकी वजह से हम लोग 10% नहीं बनाएंगे, हम लोग 40% से फीड बनाएंगे। और 40% से फीड बनाने का ये है कि हम लोग प्री स्टार्टर नहीं बना रहे हैं, प्री स्टार्टर हम लोग कंपनी का ही खरीदेंगे। और जो स्टार्टर और फिनिशर फीड है वो हम लोग बनाएंगे। तो जब मैं फीड बनाऊंगा तो उसका वीडियो आपके पास पहुंचे तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हम लोग फीड में कैसे कैसे क्या क्या मिलाएंगे उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है दोस्तों। और डेली मैनेजमेंट की वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूँगा, जो भी नया पोल्ट्री फार्म करने की सोच रहे हैं। ये मेरी सेकंड लॉट है दोस्तों, ये मेरी दूसरी लॉट है। और ये मेरी शायद कब तक निकल जाएगी, 9 दुर्गों के बाद ये मेरी जो लॉट है निकलने के चांसेस हैं, और 9 दुर्गों के बाद शायद रेट अच्छी मिलने के उम्मीद हो। तो दोस्तों आप देख रहे थे फ़िश एंड पोल्ट्री अड्डा, मैं हूँ कुलदीप सिंह, और इसी तरीके की इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट नॉलेज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और सब्सक्राइब भाई हमारे बढ़वाइए, ठीक है, ये जल्दी 1000 कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और ख़ुद का फीड बनाइए। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको सोया, मक्का, DOC इनमें से कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। और भी वीडियो की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं हूँ कुलदीप सिंह, आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। स्टे कंटिन्यू वॉचिंग दिस चैनल। जय हिंद।